हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है विजार्ड स्टील के तरफ से एक रिक्वायरमेंट निकला है जिसमें जो है आईटीआई और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम की तरफ से है, और ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 04/2019 करके यहाँ पे दिया है। और ये जो पोस्ट है आपका जूनियर ट्रेनिंग और ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेनिंग, दो पोस्ट निकली हुई हैं, और टोटल जो इसमें नंबर आप पोस्ट हैं वो आपके 530 करके पोस्ट है। तो काफ़ी अच्छा चांस है यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टाइम। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ पे देखिए जूनियर ट्रेनिंग पहला यहाँ पे जो पोस्ट दिया गया है, जूनियर ट्रेनिंग का पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे जो है 260 करके यहाँ पे सीट दी गई है, और इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 115 करके यहाँ पे टोटल सीट है। तो मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे सीट ज़्यादा है, और सेकेंड पे जो है इलेक्ट्रिकल वालों की सीट काफ़ी ज़्यादा है। बाकी आपका अदर अदर ब्रांच के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है 5 वैकेंसी निकली हुई है। सिविल वालों के यहाँ पे 2 वैकेंसी है। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 530 करके यहाँ पे टोटल वैकेंसी है जूनियर ट्रेनिंग के लिए। तो ये पहला पोस्ट है जूनियर ट्रेनिंग। दूसरा यहाँ पे जो पोस्ट है वो आपका है ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेनिंग यहाँ पे करके है, और यहाँ पे जो नंबर आप टोटल पोस्ट है वो आपका 29 करके पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। बाकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, और यहाँ पे ब्रांच कौन कौन सा है, फिर यहाँ पे आपका एलिजिबल किया हुआ है आईटीआई का, आईटीआई वालों को एलिजिबल किया हुआ है, और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को भी यहाँ पे एलिजिबल किया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं हायर क्वालिफिकेशन इज़ नॉट परमिजिबल, तो हाई क्वालिफिकेशन वाले जो बीटेक हैं तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर बात करते हैं मेन इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पे जो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो है आपके आईटीआई वाले भी कैंडिडेट जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सारा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। अब फुल टाइम आईटीआई आपको चाहिए, फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, 60% यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो सारा यहाँ पे जो है आईटीआई और डिप्लोमा वाले दोनों कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सबके लिए वही कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, डिप्लोमा ही मांगा गया है मैक्सिमम, और आईटीआई भी मांगा गया है आपका, सारा चीज़ यहाँ पर जो है आपका दिया हुआ है। और आगे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नोट में इन्होंने बोला है कैंडिडेट हैव टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल फाइनल सर्टिफिकेट एंड द मार्कशीट इन ओरिजिनल एज द प्रूफ ऑफ हैविंग द पास द क्वालिफिकेशन कोर्स विथ स्पेसिफाइड परसेंटेज इन। तो देखिए जैसे ही अगर आप फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट का हो सकता है, मे बी अप्लाई करते वक्त यहाँ पे जो है अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट मांग सकता है, तो मे बी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। तो अब फॉर्म भरने के बाद ही पता चल पाएगा क्या चीज़ है। बाकी यहाँ पे कुछ एज का रिलेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो एज है वो 1/7/2019 यहाँ पे काउंट किया जाएगा। 27 जो है जनरल वालों के लिए है, 30 जो है ओबीसी है, 32 जो है एससी के लिए है, और यहाँ पे जो है 5 साल का कुछ यहाँ पे छूट दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। रिजर्वेशन का भी दिया हुआ है यहाँ पे, पीएसडब्ल्यू कैंडिडेट को यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन मिलेगा। आगे हम बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ कैटेगरी एस सी एस टी ओबीसी के लिए भी यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चीज़ है, और ट्रेनिंग और स्टाइपेंड का यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन किया गया है कि आपका जो यहाँ पे जो है ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पे जो है आपका मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा 10,700, और यहाँ पे जो है 12,200 यहाँ पे आपको दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो है अगर हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पे जो है आपका सारा जो है यहाँ पे आपका पहला पेपर होगा जिसमें जो है 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस होंगे, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, फिर जनरल अवेयरनेस जीके, और यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश भी होगा। अब पेपर सेकेंड जो होगा आपका यहाँ पे जो एक ही, दोनों पेपर एक ही में होगा, पार्ट यहाँ पे डिवाइड किया गया है, 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन का पेपर होगा वो बंगाली में होगा या फिर इंग्लिश में ही होगा,
और तेलुगु में भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे हिंदी में आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर जो भी कैंडिडेट अगर इंग्लिश अगर उनको आती है तो वो लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई करें। बाकी यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट कहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, तो आप देख सकते हैं भुवनेश्वर है, चेन्नई है, दिल्ली है, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची, ये आपका यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपका सेंटर जो है यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो है कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। बाकी यहाँ पे जो है फीस के बारे में यहाँ पे इन्होंने बोला है, टोटल जो फीस है यहाँ पे 300 फीस होगी प्लस GST 18% के साथ। जनरल और OBC और ESEWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो है 300 है। और यहाँ पे जो है आपका जो फीस पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जो है नो प्रोसेसिंग फीस ST ST और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फीस यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे जो है आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सिंपली जो है आपका यहाँ पे एक साइट दिया गया है। अब इस साइट पे जो है ओपन करके यहाँ पे जो है करियर वाले सेक्शन पे आपको जाना है वहाँ पे। और वहाँ पे जैसे जाएंगे तो आपका वहाँ पे सारा डिटेल्स जो है आपका खुल जाएगा। वैसे लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा, लिंक से भी आप नीचे से जो है लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी जो है आप जो है जाके सारा चीज़ देख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको चाहिए होगा, तो ये आपको जो है बनवाना पड़ेगा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर। इससे पहले भी जो है बिजार्ड स्टील जो है ये चीज़ मांगता है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये जो है आपको बनवाना पड़ेगा, तभी जो है आपको यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, तो यहाँ पे जो है आपका ये चीज़ मांगा जाएगा। और यहाँ पे जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी यहाँ पे जो है ऑप्शन मिलेगा आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे जो है अगर हम डेट की बात कर लेते हैं, तो ऑनलाइन सर्विस जो स्टार्टिंग डेट हो वो आपका 1 अगस्त को जो है यहाँ पे आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा, और जो है 21 अगस्त को यहाँ पे जो है आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म को अप्लाई करने का। और यहाँ पे जो फीस पेमेंट का 1 दिन का डेट यहाँ पे बढ़ाया गया है, सिर्फ 22 अगस्त को यहाँ पे किया गया है। तो आपको कैसे यहाँ पे स्टेप को फॉलो करना है, सारा स्टेप है यहाँ पे बिजल स्टील पे जाना है आपको, करियर वाले सेक्शन पे जाके आपको यहाँ पे कुछ ऐसा करके एडवर्टाइजमेंट लिंक होगा वहाँ पे आपको ओपन करना है। बाकी वहाँ पे सारा जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सारा चीज़ डाल के यहाँ पर आपको जो है वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपका फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, सारा चीज़ यहाँ पर मैंसन किया गया है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप जो है इंस्ट्रक्शन को अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पे सेकंड में दिया गया है फिल द बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ईमेल और जो है आपके नंबर पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा, तो ये चीज़ जरूर देख लीजिएगा। बाकी जो है यहाँ पे आपका डिजिटल फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, पेमेंट ऑनलाइन आपका है, और यहाँ पर जो है सारा चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो है तो सारे यहाँ पे डिटेल्स ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्पॉन्सर कैंडिडेट जो है यहाँ पे आपको ज़रूरी है, और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपको मांगा जाएगा। बाकी एक सारा डिटेल्स यही है, आपका लिंक यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, तो आपको 1 अगस्त को डे इस जो है वेट करना है, 1 अगस्त को आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा, बाकी 21 अगस्त जो है लास्ट डेट है। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है यहाँ पे विजार्ड स्टील की तरफ से। थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि बस इंग्लिश आपको आनी चाहिए, हिंदी वाले कैंडिडेट अगर जो भी हैं तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं मीन्स अगर उनको पेपर जो है इंग्लिश में ही मिलेगा, अदर स्टेट वाले जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट की अगर हम बात कर लें तो आपका जो है हायर क्वालिफिकेशन वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर हम फ्रेशर कैंडिडेट में भी अगर वहाँ पे मार्कशीट का मेंशन किया गया है, अगर मार्कशीट मांगता है तो आपको यहाँ पर जो है देखना पड़ेगा
क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट हैव टू प्रोड्यूस द प्रोविजनल या फाइनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट ओरिजिनल एज द प्रूफ प्रूफ ऑफ द हैविंग पास इन क्वालिफिकेशन कोर्स। तो यहाँ पे आपको हो सकता है मे बी अप्लाई करते वक्त यहाँ पे सर्टिफिकेट का यहाँ पे मार्कशीट का यहाँ पे हो सकता है स्कैनिंग करके आपको मांगा जाए, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है। तो बस एक यही डिटेल्स था बिजाड़ स्टील की तरफ से, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है काफ़ी अच्छा है, 530 करके पोस्ट है, तो आप लोग जो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो दो पोस्ट है यहाँ पे, जूनियर ट्रेनिंग करके है और दूसरा है ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेनिंग। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके सारा डिटेल्स और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बस एक यही न्यूज़ था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।